इस तरीके से आ जाती है। किसान साथियों, मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। आज हमारे पास है सीड्रिल, जो गेहूं बोने की सीड्रिल, बोने की सीड्रिल देख सकते हैं। तो जो हम लोग इसमें करने वाले ऑयलिंग वगैरह कैसे करते हैं, पूरी सीड्रिल की कैसे रख रखाव करते हैं, तो देखिए अभी जो है गेहूँ बो रखे हैं हमने इससे। तो अभी इसमें से आवाज़ सुनिए आप। इस तरीके से आ जाती है, इस तरीके से आवाज़ आ रही है सीड्रिल में से। तो ये आवाज़ क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है, वो भी दिखाऊंगा मैं। क्या करना है, कैसे रखरखाव रखना है, कैसे ऑयल डालना है, कहाँ कहाँ ऑयल डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है, तो सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। देख सकते हैं इस तरीके से आवाज़ आती है इसमें। देख सकते हैं सभी तरफ से आवाज़ आ रही है। तो अभी इसकी आवाज़ कैसे मिटाएंगे, और सीड्रिल भी थोड़ी सी हल्की सी टाइट चल रही है देख सकते हैं ये। तो अभी इसको कैसे फ्री करेंगे हम, इसमें सभी दूर ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डालने के लिए हमें चाहिए एक ऑयल कैन, जो इस तरीके से आती है, और वो जो एक हाथ से बनी होती है वो भी ले सकते हैं। तो अभी ऑयल कैसे डालते हैं वो दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये अंदर भी पूरी सीड्रिल देख सकते हैं, और जब हम लोग इसमें ऑयल नहीं डालते हैं लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहती है, तो जो ये कंगनी वगैरह है देख सकते हैं, चूड़ी वगैरह यहाँ से घिस जाती है इस तरीके से। तो ये घिस जाएगी, और ये इसको बदलने का थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसमें हमें प्रॉपर ऑयलिंग करना पड़ती है। तो कैसे ऑयलिंग करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से सीड्रिल को घुमाते जाएंगे और यहाँ से ऑयलिंग करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से डालेंगे धीरे धीरे ऑयल। तो जो इस तरीके से हर जगह ऑयल डालेंगे, देखिए इस तरीके से जो ऑयल डालते रहेंगे इसमें हम, देखिए इस तरीके से। ये नौ दांते वाली सीड्रिल है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें डालते रहेंगे, सभी में डालेंगे पहले इसमें से। इस तरीके से देखिए ये, देखिए अभी जो आवाज़ में थोड़ा सा फर्क पड़ने लग गया है, आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई। तो अभी हम लोग डालेंगे यहाँ से, देख सकते हैं देखिए इस तरीके से जो गैप है यहाँ पर डालेंगे हम लोग। तो चलिए इस तरीके से यहाँ गैप में डालना चालू करते हैं। ज़्यादा भी ऑयल बहे ऐसा ऑयल ना डालना है हमें, देखिए यहाँ पे डालते रहेंगे। तो अपने आप सीड्रिल जो है धीरे धीरे साउंड इसका चेंज होते जाएगा, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हो गया है। तो अभी हम लोग इस साइड डालेंगे ऑयल, जो एक कंगनी है इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ से भी डाल सकते हैं धीरे धीरे, देख सकते हैं इस तरीके से। और आप सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके से, थोड़ा सा जूम नहीं कर पा रहा, इस तरीके से यहाँ पे जो छेद दिख रहा है नीचे की साइड, रोको, यहाँ पे इस तरीके से लगा के डालेंगे, घुमाओ, तो जो है सीधा ऑयल वहीं पे चल जाएगा गियर के साइड में, घुमाओ। इस तरीके से सब में डाल देंगे। देखिए अब जो पीछे का चक्रा है ये, जो इसको ये है जो इससे घूमने से गेहूँ गिरते हैं, तो इसमें डालेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी डालेंगे, फिर इसके पीछे यहाँ पे साइड में भी डालेंगे। एक मिनट, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चेन के साइड में है यहाँ पे भी डालेंगे, घुमाओ। इसमें एक छोटा सा छेद भी है तो उसमें भी डालेंगे हम लोग, बस। देखिए दोस्तों इस तरीके से छेद है, इसमें भी ऑयल डालेंगे, जो थोड़ा सा बंद हो जाता है उसको थोड़ा सा साफ करके डालेंगे। तो अभी लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी डाल देंगे, फ्री रहेगा। और यहाँ पर जो चेन के इस साइड है यहाँ पर भी डालेगा, इस साइड भी डालेगा। अब चेन पे भी डालना है, देखिए इस तरीके से घुमाते जाना है, तो इस तरीके से डालते जाना है। अब ये बड़ी वाली चेन है, इस पे भी डालेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से पूरी चेन पर डालेंगे। देखिए ये पूरी चेन हो गई है। अभी आप इसकी आवाज़ सुनिए, देखिए ये पूरी चेन एकदम
वगैरह सब में ऑयल डाल के पूरा फ्री हो गया है। तो इस तरीके से सीडिल की जो कंगनी वगैरह जो भी बूच वगैरह इस तरीके से बचाए जा सकते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब।